अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट शाजिब हाँ, और आप देख रहे हैं फ्री फॉर यू टेक्टिकल। दोस्तों आज की वीडियो IDM के बारे में है कि IDM को कैसे डाउनलोड करें, रजिस्टर्ड वर्जन उसको इंस्टॉल कैसे करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल फ्री फॉर यू टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले हमारे चैनल फ्री फॉर यू टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बेल की आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमें गूगल में जाना है, गूगल में जाके देखना है IDM। मैं लिख देता हूँ अभी गूगल में IDM सलीम। इस साइड से IDM आसानी से लोड हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। पहले वाले पर क्लिक करें IDM पर, नेट तो स्लो है, पेज लोडिंग करने में तकरीबन थोड़ा टाइम लेगा। साइट ओपन हो गया है, नीचे देखते हैं तीन लिंक दिए गए हैं, उनमें से किसी भी लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं एक दो लिंक ओपन कर लेता हूँ, ओपन इन न्यू टैब, डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर देना है। पेचा मांगेगा तो उसको कम्प्लीट करने के बाद क्रिएट डाउनलिंग डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें और नीचे डाउनलोड एडिशन से रिमूव करें। क्रिएट डाउनलोड लिंक जो पेचा क्रिया मांगी है, सॉरी मैं वीडियो को इसको रिमूव कर लूँ। क्रिएट डाउनलोड लिंक अब लीजिए डाउनलोड नाउ पर क्लिक करना है। डाउनलोडिंग शुरू हो गया है, वेट कर लेते हैं डाउनलोडिंग के लिए। डाउनलोड हो गया, आप देखते हैं कि इसे इंस्टॉल कैसे करेंगे। सेटअप को इंस्टॉल करेंगे, सेम नंबर पर IDM की सेटअप है। पहले मैं इसे मिनिमाइज कर लूँ,
मुझे आईडी लॉन्च हो गया, आई एक्सेप्ट कर मेरे कंडीशन का, ओके कर नेक्स्ट कर दें। एक बात को लाजम याद रखना कि इंस्टॉलेशन के बाद आपको आईडीएम यहाँ से चेक करना होगा कि आपका ईडीएम बैकग्राउंड में है, रन तो नहीं है। अगर रन है तो उसको आपने एग्जिट करना होगा, बंद करना होगा, क्योंकि क्रैकिंग के दौरान जब आपका ईडीएम रनिंग में होगा तो क्रैक नहीं हो पाएगा। मैंने चेक किया, मेरा तो बंद है। अब भी क्रैकिंग से पहले चेक कर लें, यह है आईडीएम की क्रैक, इसको आईडीएम की रजिस्ट्री में पेश करना होगा जहाँ पर आपने आईडीएम इंस्टॉल की है। ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करें, अब आईडीएम को यहाँ से ड्रैग करना होगा, ड्रॉप कर दें आईडीएम को, फोल्डर में ड्रॉप कर दिया, कंटिन्यू कर लें, डबल क्लिक कर लें आईडीएम पर, पेज पर क्लिक करें। आप यहाँ पर आप फर्स्ट नेम देना है, जो भी आपने देना, आपका नाम देना है, कुछ भी देना है आपको फर्स्ट। तो मैं अपना नाम दे देता हूँ, ओके कर देता हूँ। लास्ट नेम मुझे मांगेगा, मैं हाँ दे देता हूँ। रजिस्ट्री पेज ओके, तो मेरा आईडीएम अभी रजिस्टर हो गया है। मैं चेक कर लेता हूँ रजिस्टर है कि नहीं, डबल टॉप करके मैंने ओपन किया और मैं देख लेता हूँ, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया, देखो रजिस्ट्रेशन डिसेबल हो गया है, यानी मेरा आईडीएम रजिस्टर हो गया है। खास बात इसमें यह है कि आपको रजिस्ट्रेशन का मसला नहीं होगा, बार जो अक्सर बैंक जब आईडीएम इंस्टॉल करते हैं तो डाउनलोडिंग के दौरान आईडीएम फेक सीरियल की का ऑप्शन दे देता है, या कि आईडीएम की की फेक है। तो इंशाल्लाह इस मेथड से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जब कुछ मसला हो तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप नीचे कमेंट कर पूछ सकते हो, इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।